नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ 10 मिनट में बनने वाली सुपर टेस्टी मिठाई की रेसिपी, जिसे आप बच्चों के बर्थडे या किसी मेहमान के आने पर बना सकते हैं। और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम, बिल्कुल मार्केट जैसी दिखने वाली ये बर्फ़ी बना पाएंगे। आपको मैं तोड़ के दिखाऊंगी कितनी सॉफ्ट और मुलायम है, एकदम मुँह में घुल जाने वाली, जिसे हमने बहुत ही कम सामान में बना के तैयार किया है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली, कोई भी कढ़ाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नॉनस्टिक की कढ़ाई चाहिए। आधे कप हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और साथ में हम आधे कप पानी ऐड कर देंगे। और इसकी अब हम चाशनी बनाएंगे, तो आप चाशनी में थोड़ा सा ध्यान रखिए, तो मिठाई बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होने वाली है। पानी डालते ही हमें चीनी को थोड़ा सा घोल लेना है, इस तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि चीनी थोड़ा घुल जाए। और जैसे ही चीनी हमारी घुल जाएगी तो हम आँच को बिल्कुल धीमे पे कर देंगे और इसे पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो चीनी है वो थोड़ा सा पककर गाढ़ी हो जाए। तो इसी तरह से इसे पकने देते हैं जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं मिठाई बनाने की। तो चीनी को हम पकने देते हैं और यहाँ पे मैंने अब 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर से बिल्कुल मावा जैसी टेस्टी मिठाई बनके तैयार होती है। तो कप के नाप से मैंने यहाँ पे 1.5 कप लिया है और इसमें अब हम डाल देंगे ये घी। घी डालकर पहले मैंने 1 चम्मच इसमें घी डाल दिया है और 1 चम्मच घी डालने के बाद हम इसे अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। अच्छे से हमें मिल्क पाउडर में घी को मिला लेना है, इससे हमारी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बढ़िया बनेगी, ये दांत में नहीं चिपकेगी। और इस तरह से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। तो अब हम थोड़ा सा घी और ऐड कर रहे हैं, 1 चम्मच के करीब। तो कुल मिला के मैंने 2 चम्मच घी ऐड किया है और हाथों से अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से जो मिठाई है बहुत ही बढ़िया बनेगी। हम इसे दूध से नहीं बनाएंगे, सिर्फ चाशनी और मिल्क पाउडर से ही बना के तैयार करेंगे। साथ में हम इसमें इलायची का पाउडर भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना बढ़िया हम मिक्स कर लेंगे, बर्फ़ी हमारी अच्छी बन के तैयार होगी। हम इसे बांध के देख लेंगे, इस तरह से लड्डू जैसे ये बन रहा है। आप चाहें तो थोड़ा घी और भी डाल सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है। मेजरमेंट के हिसाब से ही मैंने इसमें 2 चम्मच डाल दिया है। इसे भी अब साइड रख लेंगे और एक ट्रे को मैंने यहाँ पे बटर पेपर लगा के अच्छे से ग्रीस कर लिया है, जिसमें हम अपनी मिठाई को सेट करने वाले हैं। और जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो नीचे की तरफ इसमें डाल दीजिए। और हमने इसके ऊपर पिस्ता डाल दिए हैं ट्रे के ऊपर, ताकि ये मिठाई में अच्छे से सेट हो जाएं। और यहाँ पे हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है, तो इसे चेक कर लेंगे। और मैंने एक कटोरी ली है, उसके पीछे तरफ इस चाशनी को गिराया है और देखें ये बह नहीं रही है। इस तरह से हमें थिक चाशनी चाहिए है, यानी हमें एक तार की चाशनी चाहिए है एकदम पकी हुई। और अगर हमारी चाशनी अच्छे से पकी नहीं रहेगी, एक तार की नहीं रहेगी, तो ये दांतों में चिपकेगी। तो इस तरह से हमें चाशनी को अच्छे से पहले चेक कर लेना है एक तार की है कि नहीं, और फिर हम इसमें धीरे धीरे करके मिल्क पाउडर को डाल देंगे। इस समय हम आँच को बिल्कुल धीमे पे रखेंगे और 10 मिनट में अब हमारी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। बहुत ही कम समय में बढ़िया मिठाई बनाकर आप तैयार करेंगे, एकदम मार्केट जैसी सफ़ेद बनेगी। तो इस तरह से अब हम इसे पका लेंगे और बाकी का मिल्क पाउडर भी अब हम डाल देंगे। तो मैंने सारा डाल दिया है, अब हम इसे पकाएंगे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच में। इस तरह से चलाते रहेंगे और इसे पकाएंगे। मिल्क पाउडर आप ज्ञान कंपनी का भी ले सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा रहता है और बजट में रहता है। तो इस तरह से आप मिल्क पाउडर ले लीजिए और बस मिठाई घर पर जब भी मन करे मीठा खाने का तो बनाकर तैयार कर लीजिए। बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली ये मिठाई है।
और अब हमने इसे पका लिया है। आप देखिए कितना बढ़िया ये मावा के जैसे पक के तैयार हो रहा है, और जैसे जैसे हम इसे चला रहे हैं वैसे वैसे इस तरह से घूम रहा है और फैल रहा है, यानी अभी हमें थोड़ा और इसे पकाना होगा। तो बस हम इसी तरह से चलाते रहेंगे जब तक ये कढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ दे। अब हमें घी दूध कुछ भी नहीं डालना है, बस इसे इसी तरह से पका लेना है अच्छे से, और थोड़ी देर बाद ये घी भी छोड़ने लगेगा तो ये पक के तैयार हो जाएगा। और देखें ये कम्बाइंड सा होने लगा है और इस तरह से ये घी सा छोड़ रहा है। इसे मैं आपको चेक करना भी बता देती हूँ, कैसे चेक करेंगे कि अब ये बर्फ़ी सेट होने के लिए तैयार है कि नहीं। तो इसे हम थोड़ा सा हिस्सा हम इस कटोरी में निकाल लेंगे और इसकी एक बॉल्स बनाएंगे जो ईजिली तरीके से बनेगी उंगलियों में, हाथों में ना चिपके। और इस तरह से हम इसे बना रहे हैं, तो देखें ये बॉल्स बन रही है, तो यानी ये परफेक्ट हमारा पक्के तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें इसे चेक कर लेना है। अब हमें गैस को बंद कर देना है। आप देखिए कितना बढ़िया ये पक्के तैयार हुआ है। गैस को बंद करके इसे निकाल लेते हैं, और जो ट्रे हमने यहाँ पे बटर पेपर और पिस्ता डाल के रखी थी इसी में हम मिठाई को सेट करेंगे। तो इसे डाल देंगे इसके ऊपर इस तरीके से, और इस चम्मच की सहायता से चारों तरफ हम इसे अच्छे से फैला देंगे। और अच्छे से हमें इस तरह से फैला देना है। इस समय आप छोटी चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से चिकना कर सकते हैं। छोटी चम्मच ले लीजिए और इसे अच्छे से चिकना कर लीजिए। चम्मच के पीछे तेल या घी लगा लीजिए ताकि ये बिल्कुल चिपके नहीं और ईजली ये अच्छे से चिकनी हो जाए। आप चाहें तो इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, या फिर सिंपल ही मेरे जैसे इस मिठाई को सेट करने के लिए छोड़ सकते हैं। अब हम इसे पंखे की हवा में इसी तरह से सेट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। हम इसे फ्रिज में नहीं रखेंगे। फ्रिज में हम मिठाइयाँ तब रखते हैं जब वो सेट नहीं होने लगती हैं, तब हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो अच्छे से सेट हो जाती हैं। और देखें हमने पंखे की हवा में इसी तरह से इसे छोड़ दिया था, ये अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे इस तरह से बटर पेपर से निकाल लेते हैं। अभी ये पूरी तरह से ठंडी नहीं है, हल्की सी गर्म सी है, पर हम इसे निकाल कर पीसेस में कट कर लेंगे क्योंकि और ज़्यादा ठंडी होने के बाद ये अच्छे से पीसेस में कट नहीं होगी। और इस तरीके से अब हम इसका बटर पेपर भी निकाल लेंगे, और देखें जो ड्राई फ्रूट हमने पिस्ता डाले थे वो कितने बढ़िया अंदर तक सेट हो गए हैं। अब हम इसे काट लेते हैं, तो जैसे पीस आपको मिठाई के पसंद हो वैसे काट सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे लंबे पीसेस में कट कर रही हूँ। इसी तरह से हम बाकी के पीस भी कट कर लेंगे। हल्की गरम में ही आप मिठाई को काट लीजिए, यानी निशान लगा लीजिए ताकि ये इजी तरीके से कट जाए। और काटने के बाद आप फिर इसे छोड़ दीजिए तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। और मिठाई को हमने काट लिया है। आप देखिए कितनी बढ़िया ये बनके तैयार हुई है, एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनी है। मैं इसे आपको तोड़ के दिखा दूँगी कितनी सॉफ्ट और मुलायम, एकदम देखें बिल्कुल मार्केट जैसा इसका लेयर आई है, जैसी आती है मिठाई में। और देखें इसे तोड़ रहे हैं तो कितनी सॉफ्ट और मुलायम है। मिलेंगे हम इसी तरह की और नई रेसिपी के साथ।